सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड पार्ट विच इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस ट्वेंटी फोर ये उससे जरा डिफरेंट है इस टाइप में हमने ये चेक करना है आ, कि ये जो आ, इसके साथ एक्स के साथ नंबर प्लस हो रहा है यहाँ पर वन टू और अगले में थ्री और अगले में फोर तो उन दो फैक्टर्स को आपस में मिला लें जिनका सम और दूसरे पेयर का सम आपस में बराबर हो मसलन यहाँ पर वन है और अगर हम टू ये वाले दोनों अगर हम मिला लेंगे तो वन प्लस टू थ्री और अगले में थ्री प्लस फोर सेवन जो कि हम ये वाले पेयर नहीं बनाएंगे अब हमने क्या करना है वन के साथ अगर हम थ्री मिला लें तो वन प्लस थ्री फोर और इस तरह अगले में ये टू प्लस फोर सिक्स तो बराबर नहीं है अब हमने क्या करना है वन के साथ अगर मैं फोर मिला ला लूँ वन प्लस फोर फाइव और इसी तरह टू और थ्री भी आपस में प्लस करें तो फाइव तो लिहाजा हम ये बड़े पेयर्स आपस में बना सकते हैं देखें किस तरह से x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर इन दोनों को मैंने आपस में लिख दिया और x प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री इनको आपस में लिख दिया माइनस ट्वेंटी फोर अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स वन मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस फोर यहां पर पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स अब टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस सिक्स और माइनस ट्वेंटी फोर अपनी जगह अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लें एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और माइनस ट्वेंटी फोर ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स वो वाली शेप बन गई है इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू वाई देन इक्वेशन नंबर वन विल एम्प्लाई वाई प्लस फोर इंटू वाई प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर अब हमने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई फोर से मल्टीप्लाई करें फोर वाई प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे पास रह जाता है वाई स्क्वायर प्लस टेन फाई और हमारे पास कोई कांस्टेंट नज़र नहीं है इन दोनों को हमने आपस में प्लस किया तो यहाँ वाई कॉमन आ सकता है तो वाई प्लस टेन ये फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है लेकिन अब हमने क्या करना है जो वैल्यूज़ uh, हमारे पास थी uh, जो वैल्यू थी वाई की वो दोबारा हम पोट कर देंगे इसको मैं क्वेश्चन नंबर टू का नाम दे देता हूँ तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स इक्वेजन नंबर टू एम्प्लाइस एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स वाई की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स और इसके साथ टेन भी प्लस हो रहा है तो ये हमारा आंसर हो सकता है लेकिन अगर हम देखें पहले वाले फैक्टर के अंदर एक्सपिर कॉमन आ सकता है तो एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइफ और एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इसके ऊपर भी हमने देखना है सोचना है कि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती लेकिन अगर हम देखें तो टेन है फ़ाइव के दो पार्ट्स बनाएंगे तो टेन नहीं आ सकता लिहाजा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती मज़ीद फोर्थ पार्ट व्हिच इज स्क्स एक्स माइनस ट्वेल्व x एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स ये शेप उसी तरह नजर आ रही है एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स यहाँ पर भी नजर आ रहे है यहां पर भी नजर आ रहे है लेकिन इस पार्ट के अंदर मुझे एक चीज़ और डिफरेंट नज़र आ रही है जो कि वो काम उसी हमारा काम आसान हो जाता है वो ये है कि ये ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व वही सेम इसके अंदर भी है जब सेम है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं तो एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व होल स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा और वहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है मैं इसको ज़रा फार्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो इनको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंटू ए माइनस बी तो ये भी उसी तरह ये हमारा ए है ए का स्क्वायर बन रहा है ये ब्रैकेट के अंदर ये बी है तो बी का स्क्वायर बन रहा है तो जब हमारे पास वॉलीशिय बन सकती है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब इसके अंदर फिर प्लस माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स है ये माइनस एक्स है तो रह आ, बन जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस आगे हम ये चेक हमें एक दफ़ा इसके ऊपर देखना है चेक करना है कि मज़ीद इसकी फैक्ट्राइजेशन तो नहीं हो सकती तो माइनस ट्वेल्व है तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अब जब माइनस होगा तो माइनस टू से ऊपर जाना है माइनस ऊपर से टू से ऊपर क्या है माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स बारी बारी हमने वन मल्टीप्लाई करना है फिर टू मल्टीप्लाई करना है फिर थ्री मल्टीप्लाई करना है फिर फोर मल्टीप्लाई करना है देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे हम जा रहे हैं लेकिन ट्वेल्व किसी भी सूरत नहीं बन रहा तो लिहाजा मजीद फैक्ट्राइजेशन नहीं हो सकती दिस इज़ और फाइनल आंसर